उत्तर प्रदेश में का होता अभिषेक जी, एक लेके के समर्थन में बा के विरोध में बा, आप पूरा सियासत एकरा के लेके का चल रहा बा? अगर देखल जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बवाल बा, यही से कहे कि उत्तर प्रदेश में जो दलित बिरादरी बा ना वो बड़ी तादाद में बा, 22% अकेले और ओ में सबसे ज्यादा अगर कोई बात ओ में हरिजन, कहीं जाटो कहल जाला, कहीं हरिजन कहाला लो, पूर्वांचल और पश्चिम में अलग अलग नाम बा। सियासत में भी मायावती सबसे पहली महिला बड़ी जेके खुल के विरोध कर दिली, जे सुप्रीम कोर्ट के तीनों सुझाव बा, कोटा विद इन कोटा, क्रीमी लेयर, राज्य सरकार के भी ये छूट मिले कि भाई उनका यहाँ भी अगर कोई जाति के वो शामिल करे के चाहे तो कर सके, तो तीनों के विरोध मायावती कर देली। केंद्र सरकार तो एगो में मान गए भाई ठीक बा, कोई क्रीमी लेयर ना हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से ही कोटा विद इन कोटा के मांग होता। देखो बिहार में तो नीतीश कुमार लगभग लागू कह दिलन, हालांकि दलित महादलित सब एक हो गई तो जो कोई बहुत मतलब नहीं थे, लेकिन एजा अगर सियासत के हिसाब से देखा जाओ तो जे जे जाटव हरिजन जे कल बहुत पावरफुल पहले से भी रहल और आज भी, चाहे सत्ता हो, सियासत हो, नौकरी हो, बाकी हर जगह अगर कोई एक बिरादरी सबसे ज्यादा पावरफुल बा पॉलिटिकल तो वो दलितों में जाटो बिरादरी बा। हालांकि अभी भी एकरा में इतना डिस्क्रिपेंसी बा कि वो कभी ओबीसी या जनरल के बराबर नहीं थे, लेकिन बाकी कई और जाति यहाँ पर बा, जैसे जैसे पासी, खटेक, सोनकर, कोरी, तो यहाँ पे बिहार जैसा स्थिति नहीं थे कि 22 गो में 17 जाति के एकदम नामो निशान नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारी जाति के नामो निशान बा पॉलिटिकली बहुत लोग, जैसे कोरी ले ला तो कोरी के तो राष्ट्रपति हो गए ले, तो भाई वो बड़ा पहचान बा, उस वैसे ही खटेक, सोनकर, इस तरफ के सब जाति के कुछ ना कुछ मिलल बा। लेकिन अगर नौकरी के लिहाज से देखल जाए तो यूं वह हाल बा जो बिहार वाली स्थिति बा, अगर नौकरी में देखल जाए तो 2-3 जात के छोड़ दिया है तो जे पूरा दलित के नौकरी बा ओकरा में ज्यादा भागीदारी उनकर बा, छोटी छोटी जात, चाहे एजा जो शेड्यूल ट्राइब्स बा बहुत कम मात्रा में बा, 2% उनका लोग बा, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं थे। उत्तर प्रदेश में एक और नई बात बा, वो बा कि एजा चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो, ये दोनों लोग चाहता कि भाई हमारो कम्युनिटी के जो ना शेड्यूल कास्ट में शामिल करा, बहुत समय से इनका डिमांड चला था और एकरा लेकर के ये लोग अलग आंदोलन की राह पकड़ लेवा, और जे सुप्रीम कोर्ट के फैसला आई ओमे ये बा कि भाई राज्य सरकार चाहे तो कुछ जातियों के एकरा में शामिल कर सकेला, तो ऐसे यहाँ पर जे एक मामला बा कि दूसरी जातियों को भी कोई शामिल कर ले, एकरा लेकर के जे दलित बिरादरी बा ओकरा में थोड़ा रोष ज्यादा बा कि भाई कोई और एकरा में शामिल ना हो के चाहिए। यूपी गवर्नमेंट के पास पहले से ही कई कमीशन के रिपोर्ट बा जे कहा था कि भाई कोटा विद इन कोटा यहाँ हो के चाहिए, लेकिन जिस तरीके जैसे मायावती इस पूरा मामला के उठा दे ली और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक का पूरा देश में भारत बंद हो गई, ओकर इम्पैक्ट के बाद सरकार एकरा पर कितना आगे बढ़ी कहल मुश्किल बा, लेकिन योगी सरकार एकरा खातिर जो मुंह ताकि उत्तर वो केंद्र सरकार के कि भाई केंद्र सरकार एकरा में कहां तक बढ़ता, तो कोटा विद इन कोटा में के बारे में आए वाला वक्त में यहां लागू हो सकेला, लेकिन क्रीमी लेयर यहां ना हुई एकर पूरी संभावना बा। जहां तक राज्य सरकार वाला बात, जब तक कोई क्लियर कट फैसला ना आई तब तक यूपी सरकार अभी बहुत ज्यादा भी एकर मूड में नहीं खेल, लेकिन एक मूड में जरूर बा कि चाहे ओबीसी हो चाहे दलित, एमे कोटा विद इन कोटा लागू करें।